हिमाचल प्रदेश में सेब तैयार होकर मंडियों में पहुंचना शुरू हो गया है। इससे पहले अर्ली वैरायटी सेब और नाशपाती सेब मंडियों में पहुंच रहा था, लेकिन सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी सेब सीजन शुरू होते ही आढ़तियों की मनमानी शुरू हो जाती है। ऐसे में सेब बागवान को अपना सेब औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार की ओर से तौलिए के नीचे हाथ रखकर गुप्त बोली यानी सेब के दाम गुप्त रूप से लगाने पर प्रतिबंध लगाया है। सेब आढ़ती और खरीददार तौलिए के नीचे हाथ रखकर कोर्ट बोर्ड में सेब की दरें तय करते हैं। सामने खड़ा किसान तौलिए के नीचे क्या सौदा हुआ नहीं समझ पाता। ऐसे में तौलिए के नीचे उंगलियों से आढ़ती और सेब खरीद करने वाला रेट तय करते हैं कि कितना बागवान को देना है, कितना कमीशन रखना है। उसके बाद बागवान को बताया जा रहा है कि आपके सेब का दाम इतना है और उसे मजबूरी में उनके द्वारा तय दरों पर बेचना पड़ता है। इसी तरह इस बार नारकंडा से खेक्सू तक के आरती 6 लेयर सेब पेटी के दाम बोली लगने अथवा बिकने के बाद 25% पैसा काट कर दे रहे हैं। इसका भी बागवान विरोध कर रहे हैं। बागवानों ने आढ़तियों के साथ एपीएमसी के मौके पर तैनात कर्मी भी शामिल हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाया जाए। आज भी लुहरी के समीप कुल्लू जिला के खेक्सू सेब मंडी में दर्जनों से आढ़ती रुमाल और तौलिए के नीचे उंगलियों से सेब की दरें तय करते हुए पाए गए। जैसे ही उन्हें कैमरे की भनक लगी तो सब ने तौलिए हटाकर खुली बोली बोलनी शुरू कर दी। शमशेर सिंह बागवान ने बताया कि वे सेब लेकर खेक्सू पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने पाया कि अब भी तौलिए के नीचे हाथ रखकर बोलियां लग रही है, जो सरासर गलत है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जबकि एपीएमसी के लोग यहीं बैठते हैं फिर भी धांधली हो रही है। बागवान चुन्नीलाल ने बताया कि इस बार आढ़तियों से जो 6 लेयर सेब पेटी जिनमें 310 दाने हैं उसका रेट बोली के बाद 25% कम कर बागवानों को दे रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। उन्होंने बताया कि दूसरे तौलिए के नीचे हाथ रखकर बागवान के सेब का दाम तय किया जा रहा है, जो कि गलत है। खेक्सू सब्जी मंडी आढ़ती संघ के चेयरमैन करमचंद ने बताया कि अर्ली वैरायटी सेब के दाम अच्छे थे, 700 से बढ़कर इसी तरह नाशपाती की फसल इस बार अधिक थी, फिर भी दरें 700 से 1000 तक बिकी, जबकि रॉयल 2 से 2500 रुपए प्रति बिक रही है। मंडी समिति निदेशक केवल राम बुश्री ने बताया कि हमारे ध्यान में आया है कि आरती रुमाल के नीचे बोली लगाकर बागवानों से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। सरकार बागवानों के हितों को सर्वोपरि रखती है। ऐसा पाया गया तो आढ़तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें अगर एपीएमसी के कर्मी संलिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय बैजनाथ के अंतर्गत पड़ने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अधिशासी अभियंता के कार्यालय में अपनी चिरकाल से चली आ रही मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने धरना प्रदर्शन करने के बाद अधिशासी अभियंता के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। इस मौके पर अराजपत्रित कर्मचारी के महासंघ के अध्यक्ष रजिंद्र भंगलिया का कहना है कि कर्मचारियों के मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों को न डीए का एरियर मिल रहा है और न ही सामान्य भविष्य निधि का भी समय पर भुगतान किया जा रहा है। फील्ड स्टाफ को कार्यालय में रखा गया है। जब भी कोई कोर्ट केस लग जाता है तो
फील्ड स्टाफ को भेज दिया जाता है। उनका कहना है कि कई बार हमने महोदय को लिखित व मौखिक अनुरोध किया कि समय पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भुगतान किया जाए, मगर ना हमें बात करने का समय रखा जाता है, ना ही हमारी मांगों को सुना जा रहा है। इसी को लेकर हम सारे मजदूरों सहित धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज 10 दिन हो गए हैं हमने ज्ञापन भेजा था, अगर अब भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मजबूर होकर हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इस मौके पर महासंघ के महामंत्री चंचल डोहरू के अतिरिक्त सैकड़ों मजदूर मौजूद रहे। अधिशासी अभियंता एस के सूत ने कहा कि इस बारे हमने इनको चिट्ठी लिखकर कहा था कि किन किन के कितने कितने पैसे बाकी हैं उसकी लिस्ट भेजी जाए। हमें इस बात का पता नहीं है कि किस कर्मचारी का कितना टीए मेडिकल देना बनता है।